एयर ज़्यादा हीट होता है उसमें आप वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, वहाँ पे हमारे वर्कर्स जो हैं उनके हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं कि मैनुपलेटर्स, और अपने देश में फिर से मेक इन इंडिया के तहत हम लोग इस सब नए नए वॉचेस को, जो पुरानी मैकेनिकल वॉचेस थे उन रीलॉन्च करने की वजह से हमने यहाँ पे एक आपको मोटिव दिया ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ HMT फिर से रीलॉन्च हुई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्तों हम, और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू इंडिया मशीन शो 2023, और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ HMT कंपनी के स्टॉल पर, और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रेंज इन्होंने शोकेस किए हैं, आज इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप इस तरह की बिजनेस में हो या इस तरह की प्रोडक्ट्स की आपको नीड है, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर हेलो सर, कैसे आप? फाइन सर। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना? हाँ, मेरा नाम मनोज कैदवास है, मैं एज ए सेल्स इंजीनियर यहाँ पे HMT मशीन टूल में काम करता हूँ। हमारी कंपनी 7 जनवरी 1953 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमारी HMT लिमिटेड एक कंपनी, इसकी 6 सब्सिडीज है, वॉचेस, बेयरिंग, ट्रैक्टर, HMT मशीन टूल, HMT इंटरनेशनल, HMT फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेंडरिंग कंपनी है ये। हम लोग बेसिकली मशीन टूल में बिजनेस करते हैं। हमारी मशीन टूल की 5 फैक्ट्रीज हैं, लाइक बेंगलोर, केरला, हैदराबाद में 2 प्लांट हैं, अजमेर में प्लांट है, और हमारा पिंजौर में प्लांट है। तो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग मशीनरी हम लोग बनाते हैं। सारी मशीनरी जितनी भी है मशीनरी, जैसे लेथ मिलिंग, VMC, टर्निंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर, जैसे हमारा मशीन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर यहाँ लगा हुआ है अभी, तो सारी मशीन मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। HMT इंडिया का प्राइड है, हर कोई जानता है, आप लोग काफ़ी पहले से घड़ी बना रहे हो, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप आ रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली में क्या सीन है कि हमारी जो पेरेंट कंपनी थी वो मशीन टूल की ही थी। जी जी। हमारी वॉचेस, ट्रैक्टर और ये सब जितनी भी कंपनियां हमारी सब्सिडीज थी, लेकिन मेन जो पेरेंट कंपनी थी मशीन टूल की थी। तो अभी भी हम उसी मशीन टूल्स में ही अपने मतलब जो पैर जमाए हुए हैं HMT, जो कि आप ये बोल सकते हो कि मशीन टूल की जो मदर कंपनी है वो HMT ही है। अगर आप देखोगे 1953 से फर्स्ट टाइम जब आपका इंडस्ट्री एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस समय से ही अगर देखोगे तो हम पहली ही मशीन, मतलब आपको इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए HMT ने ही अपना हाथ संभाला था जो भारत को, और आज तक हम उस जो आपसे एक देश के लिए आप प्रॉमिस किए थे उसको निभा रहे हैं, और आगे के आने वाले सालों में भी निभाते ही रहेंगे। यहाँ पर आपने जो घड़ी भी शोकेस किए हैं अपने स्टॉल पे, इसका क्या मतलब हुआ सर? एक्चुअली में सीन ऐसा हुआ कि देखिए, अभी रिसेंटली में आप टाइटन और इन सब की घड़ियाँ जो देख रहे हैं काफ़ी आप देख रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, जो पुराने मैकेनिकल वॉचेस थी, जो कि कुछ वॉचेस ऐसे हैं जो स्विट्ज़रलैंड और HMT ही बनाती थी, तो हमारे चेयरमैन सर के वजह से हम लोगों ने इसे फिर से रीलॉन्च किया हुआ है। अच्छा, जी, जी। और अपने देश में फिर से मेक इन इंडिया के तहत हम लोग इस सब नए नए वॉचेस को, जो पुरानी मैकेनिकल वॉचेस थी उन रीलॉन्च करने की वजह से हमने यहाँ पे एक आपको मोटिव दिया ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ HMT फिर से रीलॉन्च हुई है। हम लोग मार्केट में, हाँ मार्केट में बनी हुई है। हाँ, और यहाँ पर आपने काफ़ी मशीन शोकेस किए हैं, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ के बारे में और किस तरह के वर्किंग होते हैं। ये हमारी BMC 300 मशीन लगी हुई है, ये हमारे सर हैं, ये आपको थोड़ा गाइड करेंगे नई मशीन के बारे में। सर BMC 300 सर कुछ बताएंगे इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ के बारे में, वर्किंग? सर ये हमारी HMT की BMC वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है, 300। हमने सबसे कम कॉस्ट में इसको निकाला है, ये 18 लाख रुपये कीमत है, जबकि दूसरी GPM मशीन ने भी 20-20 लाख रुपये में है। हमने मिनिमम कॉस्ट में लेके आया ताकि कोई टूल रूम के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, तीनों शिफ्ट में चलाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेनली आप मेड इन इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अब जो बाहर की जो दूसरी मशीनें आ रही हैं वो है सिर्फ शो के लिए जैसे, लेकिन ये रिजिट है। आज भी हमने क्वालिटी को मेंटेन करके रखा सर, हमने अपनी कॉस्ट को भी हमने वहीं पे रखा है, और अपनी क्वालिटी डे बाय डे, मतलब दूसरी उससे रिजिट है। ये एक बार लग गई तो 20-30 साल हम ऐसे प्लांट दिखा सकते हैं, ऐसी जगह दिखा सकते हैं मशीनें जो आज भी हमारी 30 साल से मशीनें काम कर रही हैं सर। एक बार लगा दी तो उसके बाद उसमें कोई मतलब इतनी वो नहीं है। तो किस टाइप के मेटल्स पर वर्किंग कर सकते हैं इसमें? इसमें सर कोई भी एल्युमिनियम जो बनाइए आपने, कोई ऑटोमोबाइल्स का, कार का, स्पेयर पार्ट्स का, कोई भी इसका प्रोग्रामिंग में फीड करो, वही आपको कंपोनेंट बन के बाहर आएगा। सपोज ये HMT, ये HMT लिखा हुआ है, मैंने इस प्रोग्राम में HMT का एक प्रोग्राम डाला हुआ है, तो उसमें हम किसी ने नेम इंग्रेविंग करना है मशीन, तो ऐसे मास प्रोडक्शन साइकिल टाइम में वो निकलती रहती हैं मशीनें, बनती रहती है ऐसे प्रोग्राम में। आपने सपोज ऑटोमोबाइल्स में कार का कंपोनेंट बनाना, मोटरसाइकिल का कंपोनेंट बनाना, चैम्बर बनाना, कोई
तो गियर बॉक्स बनाना है, तो वो सब इस पे उसी के प्रोग्राम के हिसाब से हम इस पे डेवलप करके मशीन पे सीएनसी बेस्ड होता है। हाँ सीएनसी वीएमसी एंड तो वीएमसी 300 400 600 अलग अलग साइज की एज पर कस्टमर रिक्वायर्ड। हाँ कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसमें मतलब अपना वो करते हैं। क्या वर्किंग एरिया क्या रहता है सर? वर्किंग एरिया सर एज इसका है 500 to 300 mm। इस मशीन इज ओनली 300 वीएमसी इज 300 इज 300 इज टेबल साइज इज द मेन वीएमसी 500 इज टेबल साइज। तो इसमें भी ये 300 अलग अलग मॉडल भी आते हैं या सेम मॉडल? सेम मॉडल 300 में अलग अलग मॉडल भी हैं, किसी को फानुक सिस्टम के चाहिए, किसी को सीमेंस के चाहिए, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हम हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं, उसको किस टाइप का जॉब के लिए मशीन चाहिए तब हम उसको। और ये कौन सी प्लांट में आप बना ये? हाँ ये हमारा HMT पिंजौर शिमला हाईवे पे है, चंडीगढ़ से कालका शिमला जो हाईवे हमारा उस पर हमारा प्लांट है। तो 850 acres में प्लांट है हमारा। हाँ बहुत पुराना प्लांट है, 1963 में हमारी HMT कंपनी स्टार्ट हुई थी मशीन टूल, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद 1975 में ट्रैक्टर प्लांट वहाँ पे बना और घड़ी बनाते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा 850 acres में हमारा प्लांट है वहाँ। तो सर अगर किसी को अगर इन प्रोडक्ट्स की नीड है तो वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? HMT सर सबको पता है, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से, तो हमारे वो अपने आप ऑर्डर देता है हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट पे बिल्कुल बिल्कुल ओपन डालो HMT मशीन टूल्स हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये हमारा ये है वेबसाइट पे। हाँ वेबसाइट पे HMT मशीन टूल्स के नाम से तो हमारी वेबसाइट पे आएगा, वो उस अपना ऑर्डर देगा हमें इस टाइप का मशीन चाहिए, तो उसी हिसाब से हम उसको कस्टमर को बना करके देंगे। ओके सर थैंक यू। अब आपको मैं अपना एक नया प्रोडक्ट दिखाते हैं, हमने क्या किया कि रोबोटिक्स में भी कदम अपना एक कदम आगे बढ़ाया हुआ है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसमें हमने क्या किया एक रोबोट टाइप का सिस्टम बना के दिया है। इसमें हजार्डस जो भी इन्वायरमेंट है जिससे किसी किसी को प्रॉब्लम्स होती थी, स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, कैंसर्स हो जाती थी, हाँ केमिकल्स की होती है, ज़्यादा हीट होता है उसमें, आप वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है वहाँ पे, हमारे वर्कर्स जो हैं उनके हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसको बोलते हैं कि मैनुपलेटर्स। आप ये हमारी बेंगलोर यूनिट में बनती है जी। इसके बारे में आपको हमारे सर हैं ये जानकारी आपको देंगे। हेलो सर कैसे हो? आई एम जयराम फ्रॉम HMT बेंगलोर। दिस इज थ्री पीस मैनुपलेटर। थ्री पीस मैनुपलेटर वी आर यूजिंग इन हजार्डस एरियाज एंड रेडियो एक्टिव सेल्स, बिकॉज रेडियो एक्टिव मैन कैनॉट एंटर इन सेड हार्ट सेल्स because it is hard cells. There is some radioactive elements will be there. It is very dangerous to the human body. For that component ironing and all, but for that hazardous areas and all, we will use this three-piece manipulator. This having 360 degrees of movements. Okay. And it will come up to this 90 degree movement also it will come. X movement is there, Y also is there, and Z also is there. All 360 degree we can move it. तो जैसे अगर मैकेनिज्म की बात करें, किस तरह के मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक या इज अ मैकेनिकल, प्योर मैकेनिकल दैट एसएस रोप्स एंड स्टील रोप स्टील टेप एंड रोप्स विल यूज बेस्ड ऑन द स्टील टेप्स एंड रोप्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस वन एंड कंप्लीट असेंबली इज इंक्लूड्स रोप एंड टेप मैकेनिज्म ओनली प्योर मैकेनिकल मैकेनिज्म एंड एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ऑल्सो वी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल ऑल्सो दैट विल गिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स। कहाँ कहाँ आपने इंस्टॉल किया है अभी तक सर? अभी तक सम मोर कंपनीज इंस्टॉल्ड इन मोर कंपनीज एंड दैट कंपनीज अंडर वी कांट दिस वन बिकॉज ऑलरेडी 100 नंबर्स ऑफ मैनिपुलेटर्स वी डिड एंड देयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनिपुलेटर्स देयर। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मैकेनिज्म। दिस इज लेंथ इज ऑल्सो डिफरेंट, इट इज बेस्ड ऑन द वॉल थिकनेस, वी विल इंक्रीज द लेंथ और वी विल डिक्रीज द लेंथ। आप प्योरली कस्टमाइज है, आप अकॉर्डिंग कस्टमाइज दैट वर्जंस आर देयर, the new versions are there that we will call it a TPMZ, that component we are using in that in TPMZ we will use all the SS components. Okay. Here aluminum and SS component we are using, in TPMZ we will use pure SS components like that. Some versions are there and servo manipulators is there, that is encoder mechanism, that also different version is there and different sizes also is there based on that laboratory work, hazardous area work or any deep area work. Like that we will categorize it and we will do the different types of and different sizes of manipulator. Aur kis plant mein aap log banate hain sir? In Bangalore. In Bangalore, HMT Bangalore mein we are doing this one. थैंक यू। HMT सिर्फ आपको मशीन टूल में तो आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में सप्लाई कर रही है, लेकिन हमारा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है औरंगाबाद वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जैसे कि देखिए आपका ये आपके सामने ये कंट्रोल बटर मिल्क मेकिंग मशीन है जो एक आवर्स में 800 kg का आपको
मटर्स स्टेक करके देता है, और ये हमारे सर हैं, इसके बारे में आपको बेटर एंड बेटर जानकारी दे सकते हैं। सर एक्सप्लेन दीजिए। हेलो सर, दिस इज़ अ कंटिन्यूस बटर मेकिंग मशीन। यर क्रीम सेपरेटर विल बी देयर, दैट इज़ अ क्रीम सेपरेटर। दैट क्रीम सेपरेटर इफ यू पुट द रॉ मिल्क इन टू दैट क्रीम सेपरेटर, इट विल एक्सट्रैक्ट द क्रीम। दैट क्रीम दे विल इनपुट इट इन टू दिस मशीन। दिस मशीन वाट दे विल डू, इट विल कंटिन्यूसली इट विल क्रिएट द बटर। So mechanisms will be there. Your mechanisms is there. This is on separate unit. This is on three units are there. That is one unit, and this is the second unit, and this is the third unit. Once you put it into the creams, na, that what will extract from the raw milk, that cream it will input it into the this machines. Okay, this in this area it will extract the cream. It will circulate it, and it will generate the butter. Okay, continuously that butter will come continuously here. Per hour 800 kg of butter it will extract. We can able to extract. And that cream separator is there, na? That based on the capacity we will select it. After this butter, then this will be there, na? That milk will come, na? That it will extract there. Okay. So 800 kg per hour ke wo capacity hai iske. Continuous production. 800 kg per hour. If you feed the continuously, it will generate. How much you will feed that from the this one raw milk and all, that much it will generate. Its capacity is 800 kg per hour. In 1 hour, it will generate 800 kg. That much capacity is there in this machine. So, ये part of plant है या fully functional plant है? This is a part of plant. This is each and every component we will manufacture it. This is the separator. Yeah. Well, once the customer will give an order, na, based on that is capacity, is plant capacity, they will give an order. That means this capacity is the small will be there. Mm-hmm. If you want high big capacity, that means raw milk capacity, raw milk quantity is more. Mm-hmm. If they will give more. Big machines. So, आपकी requirement है उसके according. How that plant requirement is there? Yeah. As per that requirement, we will create the machines. We will create the this one arrangement and all. We will provide. अगर कोई लेना चाहे, तो उनकी warranties की services की installation का क्या रहता है sir? देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे तो हमने कुछ स्मॉल लिमिटेड वेरिएंट आपको शो किया हुआ है। रिसेंटली हमने कुछ अचीवमेंट भी किया, अभी रेलवे में हमने एक सरफेस हुई लेट दिया हुआ है, जो कि जो हमारा कंपटीटर थे वो 7.5 crore की मशीन सप्लाई करते थे। हमने उनसे मैक्सिमम लेस, मतलब मीन्स आप मान सकते हो 4 crore में हमने रेलवे को सप्लाई किया हुआ है। और एक आपका डेनोवेट करके कंपनी है जो ट्विन हेड ग्राइंडिंग मशीन देती हुई है, 24 crore की देती थी। एचएमटी ने उसको सक्सेसफुली सप्लाई किया हुआ है, इंस्टॉल हो गया, अभी भी रनिंग है रेलवे रक्षा ICF चेन्नई में जी। वो आपको हमने 12 crore में दिया हुआ है। मतलब देश का पैसा देश में ही रहेगा। और मीन्स आप गवर्नमेंट कंपनी है ना, आप देखते होगे कि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट है लूट रहा, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखोगे तो हम लोग गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर एक प्राइवेट वेंडर से हम पैसा गवर्नमेंट का सेव कर रहे हैं तो आम जनता के लिए ही वो जा रहा, कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए ही जा रही है, सब्सिडीज में ही जा रही है। और अगर रही बात सर्विसिंग की, तो हमारी ऑल ओवर इंडिया में जो है कि 4 zonal हैं, जैसे दिल्ली जोन है, तो दिल्ली जोन में क्या बोलते हैं इसको, हम नार जोन बोलते हैं। उसके बाद कोलकाता में हमारी एक रीजनल ऑफिस है, बॉम्बे में रीजनल ऑफिस है, MP में है। तो यहाँ के सारे हमारे सर्विस इंजीनियर्स हैं, जहाँ पे भी जो भी हम मशीन सप्लाई करते हैं वो हमारे इरेक्शन एंड कमीशनिंग करते हुए हैं। अगर मेजर प्रॉब्लम आती है तो हमारे कंसर्न यूनिट के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो जा करके उसका रिजोल्यूशन करते हैं। ये है हमारी सर्विस एंड कमीशन। और सर अगर कोई अपने यहाँ इंस्टॉल करना चाहे, लेना चाहे, कैसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते? अगर आप लेना चाहते हो तो हमारी एक तो HMT लिमिटेड की साइट से आप वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हमारे रीजनल ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं भाई आपको अपनी एक विजिटिंग कार्ड और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अरेंज कर दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ के थ्रू भी हमारे कोई भी वेंडर या जिसको भी चाहिए वो वहाँ से डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है। यहाँ पर सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट है, एड्रेस है, आप जैसे भी कॉन्टैक्ट करना चाहो और जिस भी रीजनल जो भी सेल्स के होंगे वहाँ आपकी जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर एट लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? जैसे आप जानते हैं HMT मदर है आपकी, इंडिया में मशीन टूल की मदर कंपनी है जी जी। और हम देश को उठाने के लिए ही बने थे और देश के लिए ही काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए ही समर्पित हैं और ये हमेशा करते रहेंगे। मेक इन इंडिया में हमारा 100% योगदान है और हम उसमें हमेशा लगे रहेंगे। चलिए, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।